दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को क्लिक किए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट के ऊपर, अगर आपने टिकट बनाना चाहते हैं कि कौन से टिकट मुझे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा और मैं कौन से टिकट से मैं ट्रेवल कर सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपके भाई सारे प्रोसेस आपको बताएंगे IRCTC के बारे में या रेलवे अपडेट के बारे में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एंड्रॉइड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो कैसे अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं, आप रेल यात्रा मतलब आप ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं आप जाना चाहते हैं ट्रेन से, आपकी कौन सी ट्रेन है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके मैं आपकी सोल्यूशन बता दूंगा। एक भाई का मैं बात कर लेता हूँ, इसने भाई ने मुझे बोला कि मुझे 200 वेटिंग चल रहा है भाई, दिवाली में मुझे घर जाना है, फिलहाल मेरा 200 वेटिंग चल रहा है, क्या मैं टिकट बना लूँ और मेरा आगे चल के क्या कन्फर्म हो पाएगा? तो जवाब दिया कि भाई आपने टिकट बना के कोई भी फायदा नहीं है, आपको चाहे काउंटर से बना मोबाइल से बनाओ आपको कोई भी फायदा नहीं है। आपको फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई 200 वेटिंग आपको मतलब 3 महीने के अंदर में 200 वेटिंग को एक पे आना में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको कन्फर्म भी नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं है। तो बात कर लेता है वो फायदा कब होगा, आपको टिकट कैसे कन्फर्म मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको कन्फर्म ही टिकट के बारे में बताएंगे कि आपको कन्फर्म टिकट कैसे करनी है। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टिकट कहीं यात्रा करूंगा, आप मान लेते हैं कि आप मतलब तत्काल की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं जनरल की बात करूंगा। तत्काल की बात कर लेते हैं, अगर आपको तत्काल टिकट सोचते हैं कि मैं किसी एजेंट से, जैसे कि कोई मतलब कोई आपको गांव में घर में या शहर में टोला में मोहल्ला में कोई भी आपको कंप्यूटर लेके बैठा होगा और वो बोलेगा कि मैं तत्काल टिकट में बना दूंगा, और आपको आप उसको बोलेंगे कि मेरा भाई तत्काल टिकट बन जाएगा, वो आपको क्या बोलेगा कि मैं कोशिश करूंगा। देखिए ये सब की रूल यही है कि कोशिश करूंगा, कोशिश करेगा लेकिन वो आपको सफल नहीं होगा, आपको टिकट बनेगा नहीं। सबसे पहली बात, जब भी आपको टाइम अगर 10 बजते हैं थर्ड एसी का टिकट बनाते हैं वहाँ पे IRCTC वेबसाइट शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जब भी 11 बजते हैं स्लीपर का तत्काल टिकट निकालते हैं तो वहाँ पे भी IRCTC शुरू हो जाते हैं, जब यहाँ पे 5G शुरू हो जाते हैं तो आपके कौन से खेत के मूल्य, जो आप लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठे हो जो आप टिकट बना पाओ। अगर आप ऐसा टिकट बनाते ना तो दिन का मैं 500 टिकट बनाता, अगर ये लैपटॉप से मैं देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ दिन में 500 टिकट बना के मैं सेल कर देता, उसी समय पैसा कमाता, मुझे वीडियो डालने का कोई जरूरत ही नहीं था। देखिए जिसके पास भी PC लैपटॉप कंप्यूटर वो बोलेगा कि मैं टिकट बना लूँगा, उसके झांसे में मत आना। सबसे पहले टिकट तो कन्फर्म होगा नहीं और टाइम आपकी वेस्ट होगा, और उसके बाद आपको टिकट कन्फर्म नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि मुझे टिकट कन्फर्म होगा कैसे। देखिए अगर आपने तत्काल टिकट बनाना, जैसे कि आप मान लीजिए आपको परसों यात्रा करनी है, कल टिकट आपको निकालने जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 दिन पहले से आपको, अगर आपने कल टिकट बनाने जाएंगे, जैसे कि आज अभी सोच रहे हैं कि मेरा वीडियो अभी देख लिए, आप बोलेंगे कि मैं कल चले जाऊँगा मैं टिकट बनाने, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको नंबर पहले से लगा हुआ होगा। जब आप उस वहाँ पर जाएंगे नंबर लगाने के लिए आपको नंबर लगेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी लगा दिया। लेकिन आपको कहीं दूर का यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टिकट बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई लेडीज़ है, कोई मेंबर फैमिली है, घर का सदस्य है, तो आपको भी टिकट लेना जरूरी हो जाता है। वो टिकट लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा, टिकट काउंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर बोलेंगे कैसे आपको टिकट मिलेगा। देखिए क्योंकि मैं तत्काल टिकट भी तत्काल टिकट भी मैं बना लिया हूँ, लेकिन आपको भी आइडिया दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको तत्काल टिकट बनाना है तो आपको 1 दिन पहले नंबर में लगाना पड़ेगा। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे फॉर्म जमा कर दिया उसके बाद वो फॉर्म ऐसे ही पड़ा रहेगा, भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपको टिकट निकालना है ना तो वहाँ पे बैठे हुए रहना, जैसे कि आपको परसों का टिकट निकालना है तो आपको 1 दिन पहले से आपको फॉर्म देना है, वहाँ पर देख कर रेख करना है, वहाँ पर शायद सोना भी पड़ सकता है, आपको पुलिस RBF वाले पूछेंगे कि आप अगर आपको टिकट कहीं फाड़ देता है तो आपको उसका फोटो खींच के आपको रखना है, जो बोलना कि सर मेरा यहाँ पर फॉर्म जमा था, मैं थोड़ी देर के लिए इधर गया तो मेरा वो फॉर्म फेंक दिया, तो वहाँ पर वो नंबर में लगाएगा। जो मेरे साथ घटना घट चुका है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बना सकते हैं, आपको वहाँ पे क्या स्टेशन पे फॉर्म जमा करके आपको इंतजार करना है, आपकी टाइम आएगा, आपको अब खड़ा कब रहना है वो वहाँ पे टिकट बनाने के लिए। आप बोलेंगे कि मेरा वीडियो देख के आप जाएंगे टिकट बनने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको टिकट बनेगा नहीं। तो आप देखिए अगर आपकी 1 या 2 नंबर में चल रहा है, जैसे कि आपने टिकट बनाया स्लीपर बनाया थर्ड एसी बनाया, 1 या 2 नंबर 3 नंबर में चल रहा है तो ठीक है, वेट कीजिएगा वहाँ पे। अगर आपकी टिकट 304 नंबर 5 नंबर में जा रहा है बनने का, तो वहाँ पे मत वेट कीजिएगा, क्योंकि आपकी टाइम वेस्ट होगा, वो टिकट कन्फर्म होगा नहीं। तो फ्रेंड्स आप सब समझ गए कि कन्फर्म टिकट और वेटिंग टिकट में क्या अंतर है और आपको स्लीपर या थर्ड एसी का यात्रा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स आप सबके मन में और कोई डाउट भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।